जाते हैं स्कूल में कैसे सच्चाई और ईमानदारी को हमें का हमें पालन करना चाहिए उसके बारे में नाटक है। तो आप देखिए और हंसिए और सीखिए। अच्छी से पढ़ाई तो नहीं होती गड़बड़,
और ना होती चिट्ठी की एग्जाम में धुलाई। अब चिंटी के बाद बढ़ते हैं बंटी की कहानी पे। दो के साथ था बंटी बैठा, बिट्टू का कलरपन देख के वो कहता, मेरे अपना कलरपन अपना, इससे ड्राइंग करने का है मेरा सपना। बिट्टू बोला, चल हट भाग, मेरे कलर पेन पे नजर ना था। पिंकी के टिफिन पर गई फिर उसकी नजर, बोला, टिफिन मेरे ही इधर। पिंकी बोली, चल हट भाग, मेरे टिफिन क्यों ना था। पंडी ने जब खुद को अकेला पाया, उसका दिल फिर से ललचाया। जल्दी से उसने दोनों चीजें उठाई, मजे से उसने रोटी खाई। जब बिट्टू बिक्की वापस आए, अपनी चीजें गायब पाए। बंटी के बैग में जब डाले हाथ, निकले पेन टिफिन के साथ। क्लास में जब फिर टीचर आई, दोनों ने बंटी की शिकायत लगाई। मैडम जी का चढ़ गया पारा, बंटी को उन्होंने तगड़ा झाड़ा। बंटी को तो बड़े मजे आए, बंटी की हो गई हाय हाय। लालच में जब बंटी ने चीजें चुराई, तरंगी पड़ी उसे खूब भरपाई। पड़ी डांट उसे टीचर से, और दोस्तों ने भी हंसी उड़ाई। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? हाँ भतीजा। महाराज, देखा आपने ये तीन बच्चे क्या क्या गुण खिलाए, सजा तो इनको मिलनी चाहिए। बताइए महाराज, क्या सजा दी जाए? इन्हें इनके गुनाहों की सजा मिल चुकी है मंत्री गोबर सिंह, पर इन्हें सीख मिलनी बाकी है। सच की राह मुश्किल है थोड़ी, करनी पड़ती मेहनत भी थोड़ी। जो कुछ भी है पास तुम्हारे, पाओ उसी में खुशी तुम प्यारे। ईमानदारी का हमेशा पालन करना, नहीं पड़ेगा तब तुम्हें झुकना। ये सब गुण तुम कभी ना भूलो, ऊंचे उठो और पास।